क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इंजीनियर का जो जॉब है बहुत है मार्केट। आप इंजीनियर्स हो, अगर आप क्वालिटी से हो, अगर आप क्यूसी हो, क्वालिटी इंजीनियर्स हो, उसके अलावा आपने फिक्स जा रहा हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ। आप देखिए 2018 में 27 डेज ये आपका गामा अबू दुबई में रह के, बुर दुबई में एक जगह था, वहाँ पर रह के 27 डेज जॉब ढूंढा। आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 3000 दरहम मेरा खर्चा हो गया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू? आपका भाई गामा फ्रॉम अबू धाबी, और कैसे हैं आप लोग? आज सोचा कि एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए कि इस समय अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो कैपिटल है अबू धाबी, इस समय इसमें जो जॉब का जो कंडीशन है और स्टेटस है, जैसे कि अभी क्या है इस समय मार्केट में, जॉब है कि नहीं है इस समय अबू धाबी में आफ्टर द ईद, और क्या क्या जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में थोड़ा आज मैं डिटेल से बात करूँगा, और उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और नेपाल से और अदर कंट्री से जो मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा अबू धाबी में आना। मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करंट टाइम में जो हूँ, मैं इस समय अबू धाबी में हूँ, नहीं कि मैं दुबई में हूँ, तो इसलिए अबू धाबी की पूरी डिटेल और जानकारी इस समय रहती है, मालूम रहता है, चीज़ों को जानता हूँ, न्यूज़ को पढ़ता हूँ, प्रोजेक्ट के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट है, उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो है 5 साल 10 साल अभी अबू धाबी का कंडीशन क्या है जॉब का, इस समय मार्केट में जॉब है कि नहीं है अबू धाबी में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ बहुत से लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, वो लोग सब लोग विजिट वीज़ा पे होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इशू होती है, और मैं इवन ये भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे टेक्नीशियन कैटेगरीज, फिटर कैटेगरीज को लोगों को इंडिया से आके यहाँ इंटरव्यू देते हुए देखा, और सैलरी भी सेम है, तो ये चीज़ जो है सही है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ आके जॉब ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत बड़ी टास्क है और बहुत बड़ी बात है, और यहाँ जो है एक नॉर्मल फैमिली के लिए आके रहना, उसके साथ यहाँ खाना, उसके साथ यहाँ ट्रैवलिंग, उसके अलावा यहाँ पे जो जॉब का लोकेशन होता है, ये सब बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, और बहुत एक्सपेंसिव है, कोई कुछ इजी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई जानने वाला भी है तो वो आपको सिर्फ जो है वर्बली सपोर्ट कर सकता है, या एक बार दो बार आपको उस लोकेशन पे ले जाके छोड़ सकता है, एवरी डे पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। अभी जो है इस समय अबू धाबी में मार्केट जो है जॉब का, तो इसमें भी जैसे कैटेगरीज है, कैटेगरीज बोले तो आपको सभी को मालूम है कि अबू धाबी में सबसे ज़्यादा जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो ऑयल एंड गैस का जो प्लांट है वो आपको अबू धाबी एरिया में है, और उसी सीजन जो सटा हुआ रुएस है, तो वहाँ है ये। तो इस समय जो है अबू धाबी में जॉब की जो कंडीशन है वो किस कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए बेस्ट है, ये मैं चीज़ आपको अभी बताता हूँ। यहाँ जो है अगर आप इंजीनियर्स हो, अगर आप क्वालिटी से हो, अगर आप क्यूसी हो, क्वालिटी इंजीनियर्स हो, उसके अलावा आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया हो, जैसे कि अभी के वक्त में कहीं भी अगर एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, इंस्पेक्शन इंजीनियर्स, कोई भी आप इंस्पेक्शन से रिलेटेड अगर वर्क करते हो, तो आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेशन होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेशन आपका जो है यहाँ पे ऑयल एंड गैस प्लांट में कंसीडर नहीं होता है। तो उसमें भी बहुत से कोर्स होते हैं, सीसीप होती है, होता है बी गैस होता है, नेस होता है, API 570, API 510, API 673, बहुत सारे कोर्सेस है इस समय जो लोग करके आके अच्छा जॉब मिल रहा है। तो अभी इस समय जो है अबू धाबी में जो क्यूसी का जो जॉब है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इंजीनियर का जो जॉब है, बहुत है मार्केट में इस समय, बहुत है इस समय मार्केट में। अभी एक रुएस में एक
पॉलीमर एक प्लांट है जो 3 से 4 साल का अभी वो प्लांट का काम अभी फाउंडेशन से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं जिस कंपनी में मैं हूँ, मैं इंटरटेक में हूँ, मेरे को कंपनी इंस्पेक्शन में डेनहोलियम करके कंपनी उसमें वो डाला है एज ए TPI। सो वहाँ जो है उसको 3 से 4 साल का काम वहाँ पे मिला, पूरा फाउंडेशन से लेकर पूरा कंप्लीट तक। तो ओवरऑल जैसे कि इस समय अबुधाबी का जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है मार्केट का, एज ए QC बहुत अच्छा है, एज ए इंजीनियर्स बहुत अच्छा है, एज ए सुपरवाइजर्स बहुत अच्छा। सिर्फ ऑयल एंड गैस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है प्लांट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादातर जो है प्लांट्स है, यहाँ पे यार्ड से, यहाँ पे ऐसे ऐसी यार्ड से जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो ऑफशोर का जो है पूरा का पूरा बिल्डिंग्स रेडी करता है, स्ट्रक्चर रेडी करता है। तो यहाँ पे जो इस समय है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है QC के लिए और स्टाफ कैटेगरीज़ के लिए अबुधाबी में। और आप जो है, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको अबुधाबी में अगर जॉब आपको पाना है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिए कि आप लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू और naukrigulf.com के थ्रू आप कोशिश कीजिए जॉब पाने की। अगर उससे आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर यहाँ जो आप आएंगे तो उसमें एक्सपेंसेस बहुत है। जैसे यहाँ आके आप जॉब जॉब ढूंढेंगे तो गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि चीज़ें जो है नज़दीक में नहीं होती है, बहुत दूर दूर सारी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी इस समय साइड पे जा रहा हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ, आप देखिए, आप देख सकते हैं। तो चीज़ें जो है नज़दीक नहीं होती, यहाँ हर चीज़ जो है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, उधर बस नहीं जाती, टैक्सी नहीं जाती, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ टैक्सी बस नहीं जाती है, वहाँ सिर्फ कंपनी की गाड़ी जाती है। तो ओवरऑल जो मेरा ये कहने का पर्पस है कि आप जो है कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी कंट्री से रहकर वाया ऐप्स के द्वारा HR से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और इस समय अबुधाबी का जो मार्केट है बहुत अच्छा है, अभी NPCC कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपको डेनहोलियम DYCC कंपनी में रिक्वायरमेंट है, अभी मैं जो इंटरटेक कंपनी में, आप देख सकते हैं ये इंटरटेक इंस्पेक्ट करके है, तो इसमें भी जो है इस समय भी रिक्वायरमेंट है, और सारा QC का जिस बंदे के पास सर्टिफिकेशन है तो उसको बहुत अच्छा है। एज अगर फ्रेशर है तो उसको 3500-4000 से स्टार्टिंग सैलरी है, अगर कोई रिटर्नर है तो 5000-6000, अगर उससे ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 7-8 बेसिक सैलरी प्लस फूड एकोमेंडेशन और प्लस अदर जो भी चीज़ें हैं उसको वो कंपनी के द्वारा उसको वो मिलेगी। आप जो यहाँ आके जो जॉब ढूंढेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले चीज़, अगर आप यहाँ आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो सबसे जो डिफ़िकल्टीज होती है ना, कि लोकेशन पे जाके इंटरव्यू अटेंड करना। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ एवरीडे बंदा आता है, कोई अबुधाबी से, दुबई से आता है, कोई शारजा से आता है, बहुत दूर दूर से लोग आता है, समटाइम्स उसका इंटरव्यू नहीं हो पाता, बंदा हताश होकर चला जाता है। मैं उन लोग का वीडियो भी बनाऊँगा, थोड़ा वक्त मिलेगा। तो बहुत मुश्किल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे जैसे इसमें सबसे ज़्यादा आपका पैसा खर्चा होगा। आप खाने में क्या है कि 3 टाइम की जगह पे 2 टाइम खा सकता है, सस्ते होटल में खा सकता है, चलेगा। आप रहने का क्या है कि यहाँ पे जो है बेड स्पेस 400 से स्टार्ट है, मिनिमम 400, एक रूम में 12 से 16 लोग के करीब में रहेंगे, उसमें आपका जो है 400 दिरहम से स्टार्ट है, इंडिया का बोले तो 9000 के करीब में यहाँ पे आपका बेड स्पेस है। तो उसके अलावा जो अदर जो चीज़ें हैं कि आपका जैसे कि खाना है, तो खाना भी जो है आपका एक दिन में जो है मिनिमम जो है 400-500 जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे जो आपका जो पड़ेगा तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ कई कई किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं जो जॉब के लिए जो आते हैं। जब लोग आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है, बोले कि भाई साहब क्या बताऊँ, मैं 5 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ, जैसे इतना देर का अगर मैं इतना दूर का अगर मैं टैक्सी को देगा तो मेरा जो है 2 दिन का खाने का खर्चा निकल ये हो जाएगा। तो सुन के मेरे को बहुत ये होता है यार, वाकई में मैं खुद 2018 में 27 डेज ये आपका गामा अबू दुबई में रह के, बुर दुबई में एक जगह था, वहाँ पे रह के 27 डेज जॉब ढूंढा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 3000 दिरहम मेरा खर्चा हो गया था, 3000 दिरहम, परेशान हो गए थे। तो इतनी आसान नहीं होती है कि यहाँ आके आपको जॉब ढूंढना है।
तो मैं कोशिश क्यों हूँ थोड़ी सी चीज़ों को आपको बताने के लिए कि बेस्ट यही है कि आप अपने कंट्री से रह के अप्लाई करें, यहाँ जो लोग हैं उनके द्वारा उनसे HR का ईमेल आईडी लें और लिंक्डइन का, gulfnaukri.com का, इन सभी जो छोटे छोटे जो ऐप्स हैं ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट रीच आउट करने के लिए अपना HR के पास और कंपनी के पास, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। ओवरऑल जो है मार्केट कंडीशन बहुत गुड है अभी इस समय, बहुत से लोग कंपनी में मूव कर रहे हैं। अभी मेरे जानने में 3 लोगों ने कंपनी को मूव किया है, जो मेरे साथ DYCC में, तो जो स्टार्टिंग में आए थे उसमें 2 इंजीनियर थे क्वालिटी और 1 इंस्पेक्टर था, अभी वो लोग बहुत अच्छी जगह है अबू धाबी में, सब लोग अभी 1 से डेढ़ महीने के अंदर में उन्होंने जैसे कि अदर कंपनी ज्वाइन किया है, तो पैकेज वगैरह भी काफ़ी अभी इस समय अच्छा है, तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन काफ़ी गुड है। तो आप लोग अगर यहाँ आके अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। किसी भी तरह का अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एकोमेंडेशन से रिलेटेड चाहिए और कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चाहिए, कहाँ पर रहना बेस्ट होगा अबू धाबी रीजन में, तो वो चीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो पूरा फैमिली एकोमेंडेशन एरिया है और काफ़ी महीनों से रह रहा हूँ मैं, तो चीज़ें को थोड़ी बहुत जानकारी है, ओवरऑल पूरी नहीं है कह सकते हैं, लेकिन चीप एंड बेस्ट में आप यहाँ पर आके जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँगा, और भी जो है इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँगा, और अगर कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर आप बताएं। भाई को हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।